नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में। देश की आजादी के बाद वैसे तो देश के मौजूदा स्वरूप के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इन फैसलों में से एक बड़ा फैसला था गोवा को भारत में शामिल करना। हालांकि देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन 1961 तक पुर्तगालीन शासन के अधीन था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को भारत में शामिल किया। इस ऑपरेशन दौरान 36 घंटे तक भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने गोवा पर कार्रवाई की और गोवा के सैनिकों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले भारत के राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गोवा के लोगों की आजादी देने के लिए उनसे संपर्क किया। 1950 में भारत ने गोवा के साथ विलय की बातचीत की तो लिस्बन में बैठे पुर्तगालियों ने भारत की पेशकश को ठुकरा दिया। इसके जवाब में भारत ने लिस्बन को 1953 में अपने राजनीतिक संबंध तोड़ने के लिए कहा। 15 अगस्त 1955 को भारत ने 5000 लोग गोवा में घुस गए और भारतीय का गोवा की सेना के साथ टकराव हुआ। करीब 30 के लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने गोवा में अपने राजदूत कार्यालय बंद करा दिए। 24 नवंबर 1961 को भारत ने एक समुद्री जहाज पर हमला कर दिया, जिस जहाज के चालक को चोटें आई और कई यात्रियों की मौत हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए। इस सैन्य कार्रवाई के बाद गोवा भारत का हिस्सा बन गया। तो ये थी कहानी गोवा के भारत में शामिल होने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अलविदा लेते हुए मैं आशीष झा, HCN न्यूज़।